आई एम डॉक्टर मंजू बाला यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम न्यूक्लियोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी, जो कि हमारा एमएससी सेम 3 में फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशल में हमारा सिलेबस कवर करता है। तो सबसे पहले हम देखें कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होता है। तो हम कहते हैं कि जो बेस है दैट स्पेसिफिकली रिफर्स टू द न्यूक्लियोफिलिक एक्टिविटी एट द प्रोटॉन, वाइल एसिड इट रिफर्स टू द इलेक्ट्रोफिलिक प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोटॉन। बेस जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक हमें पता है, इलेक्ट्रॉन डोनर हम मानते हैं, और एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो दिस सेक्शन एग्जामिन्स द मोर जनरल कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टिविटी एट अदर सेंटर्स। नाउ मेजरमेंट ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। Even within a closely related series of nucleophiles, rates of reaction with some common electrophiles are often found to be only very approximately parallel with pKa values. जैसे अगर हम displacement by series of carboxylate ions अगर हम देखें, यहाँ पे आपका RCO minus CH2 Cl, CO minus, this gives you RCO, CH2, CO minus, और क्लोराइड जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि रेट्स ऑफ रिएक्शन विद सम कॉमन इलेक्ट्रोफाइल्स आर फाउंड टू बी ओनली वेरी अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल विद pKa वैल्यूज। अगर हम ये ग्राफ देखें कि हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल CH2 CO minus Cl इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल CH2 CO minus और Cl minus जो कि हमने यहाँ पर हमारा देखा, ये न्यूक्लियोफाइल है हमारा और इसने अटैक किया, तो आपको जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया और ये Cl minus जो है वो हट गया। अब अगर हम लॉग लॉग प्लॉट देख रहे हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट डिफरेंट है, ए बी सी डी जो हमने रखा है, ए अगर हमारा ओ ऑर्थोनाइट्रोबेंजोएट है, बी अगर सैलिसिलेट है, सी जो है क्लोरोएसिटेट है, डी जो है मेटा नाइट्रोबेंजोएट है, ई जो है मेटा क्लोरोबेंजोएट है, एफ जो है वो पैरा क्लोरोबेंजोएट है। तो इस प्रकार से अगर हम डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन इसके साथ देख रहे हैं, तो जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से स्कैटरिंग वैल्यूज़ जो हैं हमको मिलती हैं। और दिस इज़ पार्टली बिकॉज द अटेम्प्ट टू रिलेट काइनेटिक एंड इक्विलिब्रियम फिनोमेना एज हैज़ बीन सीन इन द केस ऑफ कार्बन एसिडिटी इज़ नॉट यूजुअली सक्सेसफुल एंड पार्टली द रिजल्ट ऑफ कंपेयरिंग द डिफरिंग डिमांड्स ऑफ टू इलेक्ट्रोफाइल्स एच प्लस एंड आर प्लस। अगर हम दो इलेक्ट्रोफाइल्स जो हमारे H प्लस और R प्लस हैं, इनको अगर हम इनके रिजल्ट को कंपेयर करें, तो डिस्पाइट द फॉर्मल सिमिलैरिटी बिटवीन प्रोटॉन एंड मिथाइल ट्रांसफर्स, अगर प्रोटॉन ट्रांसफ़र का हम देख रहे हैं या हम मिथाइल ट्रांसफ़र का कर रहे हैं, तो वैसे तो हमको सिमिलैरिटी दिख रही है, पर ऑल असेंबलेंस ऑफ कोरिलेशन बिटवीन के एंड के ए डिसअपियर्स व्हेन द रेंज ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स इज वाइडली एक्सटेंडेड। अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स ले रहे हैं तो ये जो कोरिलेशन है बिटवीन के एंड के ए ये जो है वो डिफर करता है। सम न्यूक्लियोफाइल्स आर फाउंड टू बी वीक बेसिस टूवर्ड्स एच बट एक्ट पावरफुली टूवर्ड्स कार्बन। कुछ जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो वैसे तो टूवर्ड्स एच अगर हम देखें तो वीक बेसिस हैं, पर वो पावरफुली एक्ट करते हैं कार्बन, आयोडाइड, एजाइड एंड साइनाइड। दीज आर एग्जाम्पल्स दैट शो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। सेपरेट स्केल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी अप्रोप्रिएट टू ईच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेजर द कैपेबिलिटीज फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन एट सैचुरेटेड कार्बन, कैटायनिक कार्बन, फॉस्फोरस कार्बन, सल्फर मेटल्स एंड सो ऑन। So the reason for this variable behavior is closely connected with the concept of hard and soft acid bases. तो इस ये जो differ होता है इसको समझाने के लिए हम hard and soft acid bases frontier orbital interactions को देखते हैं।
In 1963, Pearson drew attention to division of nucleophiles and electrophiles, each into two classes, which he termed hard and soft characteristics of this division. ये सबसे पहले पियर्सन ने 1963 में डिवीजन किया था टू क्लासेस का, एंड इट वाज ऑब्जर्व द स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस एंडेड टू अकर बिटवीन हार्ड एसिड्स एंड हार्ड बेसिस और बिटवीन सॉफ्ट एसिड्स एंड सॉफ्ट बेसिस. तो जो मतलब स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन था वो किसके बीच में था, हार्ड एसिड और सॉफ्ट हार्ड बेस या सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस. अगर हम कॉम्बिनेशन कर रहे थे हार्ड और सॉफ्ट का तो वो वीक इंट्रैक्शन था. तो दीज आर एसेंशली क्वालिटेटिव बट पॉइंट टू टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इन्वॉल्व इन जनरल एसिड बेस इंट्रैक्शन. नाउ इफ यू सी द एग्जाम्पल्स ऑफ मेम्बर्स ऑफ दीज डिफरेंट क्लासेज, इट इज सीन दैट प्रोटोन एंड ऑल प्रोटोन डोनर्स आर क्लास्ड एज हार्ड इलेक्ट्रोफाइल. सैचुरेटेड कार्बन ऑन द अदर हैंड इज क्लास्ड एज सॉफ्ट. हाइड्रोक्साइड आयन इज अ हार्ड न्यूक्लियोफाइल एंड आयोडाइड इज सॉफ्ट. देयरफॉर हाइड्रोक्साइड आयन टेंड्स टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन विद द प्रोटोन. तो हमने इनको जब क्लासिफाई किया तो जितने भी प्रोटॉन डोनर्स हैं वो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, जबकि जो सैचुरेटेड कार्बन है वो सॉफ्ट है. और इसी तरह से हाइड्रोक्साइड जो है वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल है और आयोडाइड जो है सॉफ्ट है. इसलिए हाइड्रोक्साइड जो है वो इंट्रैक्शन करेगा हार्ड इलेक्ट्रोफाइल जो कि हमारा क्या था प्रोटॉन, जबकि आयोडाइड जो कि हमारा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है वो इंट्रैक्ट करता है वीकली विद द एच प्लस, पर वो स्ट्रॉन्गली एट कार्बन करता है. तो सेमी क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ सॉफ्टनेस इज गिवन बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रंटियर ऑर्बिटल्स. तो ये जो हमारी सेमी क्वांटिटेटिव मेजर है ये हमको फ्रंटियर ऑर्बिटल्स से, जो कि हमने पहले पढ़ा है कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, इनमें जो ओवरलैपिंग होती है, द हायर द एनर्जी ऑफ द होमो और लोअर द एनर्जी ऑफ द ल्यूमो, द सॉफ्टर द न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल रिस्पेक्टिवली. तो ये जो है मेजर ऑफ सॉफ्टनेस है वो किससे मिल रही है हमको, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रंटियर ऑर्बिटल्स. जितना हाई एनर्जी होगा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल का, और जितना लोअर एनर्जी होगा लोअर अनऑक्यूपाइड, तो सॉफ्टर द न्यूक्लियोफाइल और द इलेक्ट्रोफाइल रिस्पेक्टिवली. द प्रिंसिपल कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द समवॉट पैराडॉक्सिकल ऑब्जर्वेशन दैट एक्वस एच आई एक्ट्स बोथ एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. एच आई जो है एक्वस वो स्ट्रॉन्ग एसिड भी काम करता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है, एंड इज स्पेशली कैपेबल ऑफ क्लीविंग ईथर्स. तो एच आई जो है वो मतलब उसका जो है बिहेवियर वो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह है, एंड इट इज स्पेशली कैपेबल ऑफ क्लीविंग ईथर्स. प्रोटोनेशन ऑन ऑक्सीजन अ हार्ड बेस बाय एच आई provides a more facile living group and reaction is completed by attack of iodide on carbon, the soft electrophilic center. अगर हम ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटोनेशन देख रहे हैं जो कि एक हार्ड बेस है, और एच आई जो है वो हमारा सॉफ्ट हम मानते हैं न्यूक्लियोफाइल, बाय एच आई प्रोटोनेशन हो रहा है ऑन ऑक्सीजन, है ना, विच इज़ अ हार्ड बेस बाय एच आई प्रोवाइड्स अ मोर फेशाइल लिविंग ग्रुप एंड रिएक्शन इज कम्प्लीटेड बाय अटैक ऑफ आयोडाइड ऑन कार्बन द सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ऑक्सीजन, जो हमने कहा कि हमारे पास हार्ड बेस है, और आयोडाइड का अगर हम इसके ऊपर अटैक देख रहे हैं तो हमारे पास पहले जो है एच का अटैक हो रहा है प्रोटॉन का, तो ओ एच पॉजिटिव, और फिर जो है आयोडाइड आपका अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर सी एच थ्री आई और आपका सी एच थ्री ओ एच जो है वो ऑक्सीजन जो है अपना ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर और सी एच थ्री ओ एच दे देता है. तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि प्रोटोनेशन जो ऑक्सीजन में हुआ एक हार्ड बेस पे बाय एच आई प्रोवाइड्स अ मोर फेशाइल लिविंग ग्रुप एंड रिएक्शन इज कम्प्लीटेड बाय अटैक ऑफ आयोडाइड ऑन कार्बन. आयोडाइड का जो है अटैक किसके ऊपर हो रहा है, वो कार्बन के ऊपर हो रहा है. अदर सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन विच आर वेल नोन इंक्लूड द एफिनिटी ऑफ मर्करी फॉर सल्फर,
फ्रॉम विच ओरिजिनेटेड द ऑब्सोलीट नेम मरकैप्टन, जो एफिनिटी है मरकरी की सल्फर के साथ, वो जो है उसको अलग से नाम दिया जाता है मरकैप्टन फॉर थायोल्स एंड ऑफ सिल्वर आयन फॉर हैलोजन, मेकिंग दिस एन इफेक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक कैटलिस्ट इन सब्सटीट्यूशन। और जो सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन हो रहा है उसमें हम मरकरी और सल्फर की बात कर रहे हैं। द पोजिशन ऑन द हार्ड सॉफ्ट स्केल विच इज़ ऑक्यूपाइड बाई न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पेयर विल डिटरमाइन द टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड हेंस द डिस्पैरेट रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ सीरीज ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स विद डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स। तो ये जो पोजिशन है हार्ड और सॉफ्ट स्केल की विच इज़ ऑक्यूपाइड बाई एनी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पेयर विल डिटरमाइन देयर टेंडेंसी, कि किस तरह से जो है कौन सा न्यूक्लियोफाइल जो है वो कैसे इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑन विच दिस डिविजन इज बेस्ड मे बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ परटर्बेशन एमओ थ्योरी। द फोर्सेज, अब अगर हम एग्जाम्पल देखें, हमारे जो हार्ड बेसिस हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स, तो ये हमारे हार्ड बेसिस हैं आपका H2O, OH- फ्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, क्लोराइड, ये बॉर्डर लाइन है, और ये हमारे सॉफ्ट हैं। इसी प्रकार से एसिड्स को भी हमने जो है हार्ड, बॉर्डर लाइन और सॉफ्ट में क्लासिफाई किया है। अब अगर हम करेक्टेड एक्सपेरिमेंटल एनर्जीज ऑफ फ्रंटियर ऑर्बिटल्स देखें, तो ये हमारे न्यूक्लियोफाइल हैं और इनकी जो हमारी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ये हार्ड हो जाएंगे और ये इस तरह से जो है सॉफ्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल में ये हमारे इनके लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल्स जो हैं ये भी इस तरह से सॉफ्ट टू हार्ड हो जाते हैं। यहाँ पे 1 eV जो है वो 96.45 किलो जूल्स पर मोल है, दैट इज़ 23.05 किलो कैलोरीज पर मोल। तो हमने कहा था हायर द जो इसकी वैल्यू है होमो की, और लोअर जो है लूमो की, तो वो जो है उनका ओवरलैप होता है। अब इंट्रैक्शन जो है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द प्रोग्रेस टुवर्ड्स बॉन्ड फॉर्मेशन, ये तीन तरह के होते हैं, ई आई दैट इज ई कोर प्लस ई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस ई ओवरलैप। जो फर्स्ट टर्म है कोर टर्म, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एनर्जी को बताता है और वो पॉजिटिव होता है। जो सेकेंड टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म, इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज और द डाइपोलर करेक्टर ऑफ द रिएजेंट्स, जो चार्ज और डाइपोलर करेक्टर है रिएजेंट का। जबकि वाइल द ओवरलैप टर्म, इट कंटेन्स द इंट्रैक्शन एनर्जी ऑफ फ्रंटियर ऑर्बिटल्स, जो कि चार्ज ट्रांसफर एंड पोलराइजेबिलिटी है, एंड इट विल बी लार्ज इफ द रिएक्टिंग पार्टनर्स पोजेस रिस्पेक्टिवली अ सिमेट्री कंपैटिबल होमो एंड ल्यूमो विच आर क्लोज इन एनर्जी। जो ओवरलैप है वो कंपैटिबिलिटी पे डिपेंड करेगा, सिमेट्री कंपैटिबिलिटी होमो और ल्यूमो की विच आर क्लोज इन एनर्जी, ठीक है। बोथ ऑफ द लास्ट टू टर्म्स आर नेगेटिव, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और ओवरलैप टर्म है ये नेगेटिव टर्म है और ये जो है हमारा पॉजिटिव टर्म है। द फुल एक्सप्रेशन जो है अगर हम इसका देखें, तो कोर के लिए ये समीशन ए बी क्यू ए क्यू प्लस प्लस क्यू बी बीटा ए बी एस ए बी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए क्यू के क्यू वन नीटा आर के एल, ये दिस इज़ क्यू एंड दिस इज एल, के इज लेस देन एल, और समीशन ऑक्यूपाइड, समीशन अनऑक्यूपाइड, माइनस समीशन ऑक्यूपाइड, समीशन अनऑक्यूपाइड, आर एस एंड एस एल, सो दिस इज़ द टर्म। अब यहाँ पर जो है हमारा क्यू एन और क्यू ई क्या है, क्यू एन और क्यू ई वो हमारे चार्जेस हैं और न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल रिस्पेक्टिवली, और सी एन और सी ई जो हैं वो कोफिशियंट्स हैं होमो और ल्यूमो के अदर इंट्रैक्टिंग लोकल डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, और के एल जो है सेपरेशन बिटवीन एटम्स के एन एल है, और आर ए जो है कोफिशियंट ऑफ एटोमिक ऑर्बिटल ए इन एम ओ आर इन वन रिएक्टेंट, एंड दिस इज द कोफिशियंट ऑफ ए ओ बी इन एम ओ एस इन अदर रिएजेंट्स, ठीक है। तो जो क्यू एन और क्यू ई चार्जेज ऑन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल है, और सी एन और जो सी ई है ये कोफिशियंट्स हैं होमो और ल्यूमो के एज इंट्रैक्टिंग लोकल डायरेक्टिक कॉन्स्टेंट, और जो सेपरेशन बिटवीन एटम्स के एन एल है दैट इज़ आर के एल, और सी ए आर ए जो है वो क्या है कोफिशियंट है एटोमिक ऑर्बिटल के,
ए जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल ए है उसका जो कोफिशियंट है इन एमओ आर इन वन रिएक्टेंट, एंड सी एस बी जो है वो कोफिशियंट जो एटॉमिक ऑर्बिटल बी का है इन एमओ एस इन अदर रिएजेंट। सिंस इन अ रिलेटेड सीरीज द कोर टर्म इज कॉन्स्टेंट एंड द ऑर्बिटल इंट्रैक्शन आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द फ्रंटियर ऑर्बिटल द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन इज, हमने कोर टर्म को कॉन्स्टेंट मान लिया और जो ऑर्बिटल इंट्रैक्शन उनको इम्पॉर्टेंट मानते हुए हमने जो सेकेंड और थर्ड टर्म है उसको हमने जो है वो ले लिया है। इन विच क्यू एन एंड क्यू नाउ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन हार्ड एसिड एंड बेसिस इज मेनली इन विच क्यू एन एंड क्यू आर चार्जेज ऑन इलेक्ट्रोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, ये हमने पहले बता दिया। एंड सी एन सी द कोफिशियंट ऑफ होमो एंड ल्यूमो एट द इंट्रैक्टिंग सेंटर्स, वैल्यू ऑफ ई होमो एंड ई ल्यूमो कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फ्रॉम मेजरमेंट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़। ये जो वैल्यूज़ हैं ई होमो और ल्यूमो की हम डिटरमाइन कर सकते हैं मेजरमेंट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिस्पेक्टिवली, एंड दे नेसेसरली रिफर टू द गैस फेज बट वन करेक्टेड फॉर सॉल्वेशन यील्ड वैल्यूज विच आर क्वान्टिटेटिव मेजर ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट करेक्टर। नाउ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन हार्ड एसिड एंड बेस इज मेनली ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म, वेल दैट बिटवीन सॉफ्ट एसिड एंड बेस इज मेनली ड्यू टू द होमोल्यूमो ओवरलैप। इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग देयर फोर दैट रिलेटिव न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर टू विच इट रिफर्स। हम कह रहे हैं कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है हार्ड एसिड और बेस का वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म की वजह से है, और वाइल दैट बिटवीन सॉफ्ट एसिड एंड बेस वो मेनली ड्यू टू होमोल्यूमो ओवरलैप टर्म है। तो रिलेटिव जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो डिपेंड कर रही है अपॉन द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर टू विच इट रिफर्स। सिंपल कैलकुलेशंस ऑफ ई आई कैन डुप्लीकेट ऑब्जर्व रिएक्टिविटी ऑर्डर्स विच चेंज अकॉर्डिंग टू ल्यूमो ऑफ द रेफरेंस इलेक्ट्रोफाइल। तो जो ऑब्जर्व रिएक्टिविटी ऑर्डर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द ल्यूमो ऑफ द रेफरेंस इलेक्ट्रोफाइल, एंड दिस वेरिएशन अफेक्ट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ द लास्ट टर्म। तो ल्यूमो जो है लो लाइंग इजिली एसेसिबल मर्करी के लिए -5 eV है, और ई ओवरलैप न्यूक्लियोफिलिसिटी की जो है वो ऑर्डर जो है वो ये ऑर्डर हमारा इसका HS- ग्रेटर देन CN- ग्रेटर देन Br- Cl- OH- एंड फ्लोराइड। दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एट सॉफ्ट सेंटर। और जैसे हमने कहा कि अगर ल्यूमो का +1 eV है तो ये हाई लाइंग है और ये इनएसेसिबल है एग्जाम्पल कैल्शियम। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है ऑर्डर आप देखिए, ये ऑर्डर जो है आप OH- CN- HS- फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड, एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ pKa दैट इज रिएक्टिविटी एट हार्ड सेंटर। तो इस प्रकार से जो है वो होमोल्यूमो और हमारी जो ओवरलैपिंग उन दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी है, उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं और उन सब के ऊपर ये डिपेंड करेगा। थैंक यू।